नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष कुशवाहा। दोस्तों अभी हम लोग पंजाब में हैं और हमारे सामने देख सकते हैं एक से बढ़कर एक पावर टिलर है। छोटा बम बड़ा धमाका, देखने में छोटा है लेकिन इसका काम शानदार और जानदार है। आज हम जानेंगे कि पावर टिलर क्या काम करता है, पावर टिलर कैसे काम करता है, पूरा खेत में लाइव टेस्टिंग करेंगे। चलिए हम मिलते हैं संजीव भाई से। नमस्कार संजीव भाई। नमस्कार जी। नमस्कार। थोड़ा जुड़ जाइए हमारे साथ और किसान भाइयों को बताइए कि ये आपने छोटा बम जो बड़ा धमाका बनाया है ये आखिर है क्या? देखिए, हमने जो बनाया है 2024 का एक बिल्कुल छोटे साइज का, बहुत ही बड़े तरीके का एक पावर टिलर बनाया है, जिसका मॉडल हमने रखा है R105 किंग क्या है, जो 4.5 HP का टर्बो इटालियन का हमने जो छोटे साइज में एक बड़ा पावर टिलर बना दिया है। इतना छोटा साइज में 4.5 HP, छोटे साइज में 4.5 HP में और बड़े तरीके का पावर टिलर बनाया है। इस छोटे से पावर टिलर से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं जो बड़े पावर टिलर से हम सारे काम करते हैं। बिल्कुल, साइज में छोटा है लेकिन अगर बात करें आ जाए इसके गियर बॉक्स के, तो गियर बॉक्स इसका हैवी बनाया गया है, इंजन भी हैवी है। देखिए, हमने इसका जो इंजन बनाया है वो 4.5 HP का टर्बो इटालियन सीरीज का बना दिया है, लेकिन हमने जो गियर बॉक्स बनाया है वो गियर बॉक्स बड़े साइज का बना दिया है। इसमें तकरीबन और इंजन और गियर में मिला के 2 लीटर 100 ग्राम इंजन तेल पड़ जाता है इसमें। अच्छा, आम क्या होता था पहले सारा 1.5 लीटर तेल ही पड़ता था, अब इसमें हमने इंजन और गियर को इस तरीके से कंबाइंड कर दिया और इसमें हमने 2 लीटर 100 ग्राम तेल की प्रोविजन कर दी है। अच्छा, 2 लीटर 100 ग्राम का ये गियर बॉक्स है, इस पर ढलाई भी किया गया है एस राजा। तो एस राजा का क्या कहानी है? देखिए, एस राजा का कहानी क्या है, जो कंपनी चल रही है वर्षों पुरानी, तो वर्षों पुराना जो हमारा नाम है एस राजा, संजीव राजा के नाम से चलता है। तो हमने अपने जितने भी पावर मीटर है उस पे अपनी ही कंपनी के राजा इंटरप्राइजेस पे जो अपना नाम अपना ब्रांड अंकित कर रखा है। अच्छा, इसका जो एयर फिल्टर है थोड़ा अलग किस्म का लग रहा है और सबके मुकाबले। देखिए, इसका जो हमने एयर फिल्टर बनाया है, आमतौर पे जो होते हैं एयर फिल्टर वो सूखे एयर फिल्टर होते हैं, हमने जो इसमें एयर फिल्टर लगाया है ये वेट एयर फिल्टर लगाया है। इसमें जरा सा मुगलर डालते हैं तो जो भी धूल मिट्टी है वो इसके आयल में आ जाती है और इसकी मिट्टी जो धूल है वो अंदर नहीं जाती है। अच्छा, ये साइलेंसर इसका थोड़ा अलग लग रहा है। हमने जो इसका जो साइलेंसर बनाया है ये बिल्कुल ही हीट प्रूफ साइलेंसर बना दिया है, ये दिन रात काम करेगा, किसान इससे दिन रात इसे चलाएगा, लेकिन इस साइलेंसर से कोई भी गर्माहट महसूस नहीं होगी, हाथ भी लगाएंगे तो हाथ पे कोई भी गर्मी महसूस नहीं होगी। अच्छा संजीव भाई, हम देख पा रहे हैं कि इसमें आपने पीटीओ शाफ्ट लगाया है इतनी छोटी सी मशीन में। देखिए, मशीन छोटा है पर इंजन इसमें हमने 4.5 HP का लगाया है, गियर बॉक्स हमने बड़ा लगा दिया है और इसमें हमने पीटीओ का प्रबंध भी किया है। पीटीओ से हम किसी भी प्रकार का स्प्रे पंप लगाना चाहते हैं, वाटर पंप चलाना चाहते हैं, रिपर चलाना चाहते हैं, इस मशीन से सारी की सारी अटैचमेंट जो कंपनी में 40 से 50 अटैचमेंट बनती है वो सारी की सारी अटैचमेंट इस मशीन से हम चला सकते हैं। और सामने ये सब अटैचमेंट तो चल ही सकता है, सारे अटैचमेंट चलेगा इसके साथ, हर अटैचमेंट चलेगा। अच्छा, इसका हैंडल जो है देख रहे हैं हम, थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज का आपने बनाया है और थोड़ा इसमें गियर वगैरह में थोड़ा अलग चेंजमेंट किया आपने। देखिए, आजकल क्या है, आजकल जो सीजन चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा सब्जियों का सीजन चल रहा है, क्योंकि इस मौसम में सब्जियां बहुत ज्यादा होती हैं और हर प्रकार की खेती के लिए हमने हैंडल को बड़ा ही कॉम्पैक्ट साइज का करके दिया है, ताकि किसान ने जब खेत में काम करना है, मान लीजिए 12 इंच में इसे चलाना है, 15 इंच में चलाना है, 18 इंच में चलाना है, या गन्ने के खेत के लिए हमने 22 इंच में 26 इंच में चलाना है, इस प्रकार से हमने इसे डिजाइन किया है कि जब चलाएं तो इसको बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से बड़े आराम से इसे हम चला सके। सब्जी वगैरह में जगह भी काफी कम होता है, उसमें इस तरह की मशीन की जरूरत है। अगर हम वहां पे छोटी मशीन को लॉन्चिंग नहीं करेंगे, छोटी मशीन किसान भाई को नहीं देंगे, तो वहां पे किसी भी प्रकार से बड़ी मशीन काम नहीं कर पाएगी, फंस जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे इतना बड़ा मशीन है, अगर इसमें जो आगे वाला रोटर चलता है वो भी बड़ा वाला चलेगा या छोटा वाला चला सकता? मैंने पहले आपको बताया, इसमें जो रोटावेटर है वो 12 इंच से लेके 4 फीट तक हम रोटावेटर चला सकते हैं। मशीन देखने में छोटी है लेकिन जो इसका काम है वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही आधुनिक ढंग का किया गया है। 12 इंच से लेके हम 48 इंच तक कितना भी उसके छोटा बड़ा रोटावेटर करके इसको बड़े आराम से हम चला सकते हैं। यानी कि 12 इंच यानी 1 फीट में भी काम कर सकता है। हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे आज इस चीज का कि ये 1 फीट में भी काम करेगा, 4 फीट में भी काम करेगा और 18 इंच में भी काम करेगा। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल ही हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मशीन छोटा है पर 4 फीट वाला हमने रोटर लगा दिया है। अब इसमें देखना ये बात है कि इतना सर्दी है, कुहासा है, पहली बार में स्टार्ट होता है कि नहीं। जबरदस्त। अच्छा, एक बार तो कोई कर सकता है, एक बार बंद करके फिर से करके दिखाइए, बंद कीजिए एक बार, हम अपने से करके देखें इसमें करना क्या होता है। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ से खींचेंगे, सिर्फ खींचेंगे स्टार्ट हो जाएगी जी। बिल्कुल काफी इजीली स्टार्ट हो जा रहा है। चलिए अब चला के इसको दिखाइए। मनीष बेटा, इस मशीन की खासियत ही ये है, इतनी सर्दी पड़ रही है फिर भी ये मशीन पहली रस्सी में स्टार्ट होगी, यही है R105 किंग का टर्बो इटालियन तकनीक का कमाल है। काम तो जबरदस्त कर रहे हैं।
इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे खरपतवार हो गया है, मिट्टी पूरी काली है और सख्त है, फिर भी इसमें ये छोटा जो मशीन हमने बनाया है फिर भी 4 फीट का रोटर बड़े तरीके से काम कर रहा है। किसी भी प्रकार की कोई भी आपको ये नहीं लगेगा कि मशीन पे लोड आ रहा है या मशीन पे किसी भी प्रकार का बोझ आ रहा है। कोहरे वाला जो रोटर को हर कोई चलाता है जी, सब्जियों में काम करने के लिए 1 फीट वाली रोटर आप चला के दिखाएंगे? बिल्कुल चला के दिखाएंगे मनीष बेटा, हम आपको 12 इंच का रोटावेटर भी चला के दिखाएंगे। 12 इंच वाले में असली मालूम पड़ेगा कि वो वाकई में काम करती है कि नहीं सब्जियों के लिए। सब्जियों के लिए आमतौर पे 12 इंच और 15 इंच रोटावेटर की जरूरत पड़ती है, हम आपको प्रॉपर इसमें 12 इंच और 15 इंच का रोटावेटर लगा कर दिखाएंगे। बिल्कुल संजीव भाई, 12 इंच वाला तो हम देखेंगे ही, लेकिन इसका आवाज देख रहे हैं कि इतना हेवी रोटर काम करने के बावजूद आवाज इसका काफी बेहतरीन है। देखिए कंपनी ने इसको टर्बो इटालियन तरीके से इस तरीके से डिजाइन किया है, जब किसान भाई लेकर इसको चलाएगा तो उसको इसकी मंद मंद मीठी मीठी आवाज सुनाई देगी, तो वो आवाज से काम करने के लिए और उत्साहित होगा, ना कि उसे ऐसा लगेगा कि हम ये काम बंद कर दें। बिल्कुल वो 24 घंटे काम करेगा इसके साथ। एक हाथ से इजीली चल रहा है, थोड़ा सा मतलब वाइब्रेशन होता तो एक हाथ से चलता ही नहीं। वाइब्रेशन बिल्कुल जीरो कर दी गई है इस मशीन की, क्योंकि सब्जियों में 12 इंच 15 इंच में चलाने के लिए जब छोटा रोटावेटर चलेगा तो वाइब्रेट करेगा तो काम ही नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, तो चलिए छोटी वाली लगा के देखते हैं। काला बेटा इसमें 12 इंच का रोटावेटर लगाइए। बिल्कुल किसान भाई देख सकते हैं 1 फीट में काफी शानदार काम कर रहा है। नीश बेटा 12 इंच में ये सही काम कर रहा है, क्योंकि ये पूरी काली मिट्टी में भी पूरा जबरदस्त काम कर रहा है। आमतौर पे जो सब्जियों में मिट्टी होती है वो भुरभुरी बहुत ही नरम होती है, जब सख्त मिट्टी में 12 इंच का ये रोटावेटर लेके सही काम कर रहा है तो सब्जियों में तो ये बड़े ही आराम से काम करेगा। अच्छा संजीव भाई, यहाँ पर काफी सारा अटैचमेंट रखा हुआ है, बोलने के लिए तो आप बोलते हैं इसमें 40 अटैचमेंट काम करेगा, लेकिन जो तावा वाली ये देख रहा है जो ट्रैक्टर में आमतौर पर काम करता है, क्या उसमें काम कर सकता है? मनीष बेटा मैंने पहले आपको बताया है कि 40 से 50 अटैचमेंट जहाँ पे काम करती हैं, तो ये अटैचमेंट सिर्फ दिखाने के लिए नहीं रखी है, अब जो अटैचमेंट बोलोगे हम वो चला के दिखाएंगे। सबसे भारी हमें ये लग रहा है, ये वाली चला के दिखाइए। देखिए हमने ये जो रोटावेटर बनाया है 7.5 HP का टर्बो इटालियन सीरीज का बड़े गियर बॉक्स में बनाया है। मशीन देखने को छोटा लगता है लेकिन इसमें जो ताकत भरी गई है और इसमें जो टर्बो टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, ये बड़े वाला इसमें तवी जिसे हम बोलते हैं डिस्क प्लाउ जेवी काम करेगा। चलिए तो इसका यूज करके देखते हैं। बिल्कुल मतलब एसी अटैचमेंट इसमें काम कर जा रहा है, काफी ऐसा मिट्टी चलाने का काम कर रहा है। बात ऐसी है मनीष बेटा, आम तौर पे जितने भी खेत होते हैं तो उसमें एक बट बनाने का काम रहता है जिसे हम बोलते हैं कि लंबी लंबी हमें मेड़ खींचनी पड़ती है, तो इसके लिए हमने ये डिस्क प्लो बनाया है। देखने को ये मशीन बहुत ही छोटा लग रहा है लेकिन इसमें 7.5 HP का इंजन और बड़े गियर बॉक्स के कारण इसमें ताकत इस प्रकार से भरी गई है, इतनी भारी भरकम डिस्क प्लो भी इसमें बड़े आराम से काम कर रही है। बिल्कुल दोस्तों देख सकते हैं हर एक अटैचमेंट इसमें काम कर रहा है, अभी लोहा वाला टायर चल रहा है और जितना हमने इसको किया है फिर से प्लेन इसको किया जा रहा है, इसे हर एक तरीके का काम लिया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं कि इसकी कीमत क्या होने वाली है। संजीव भाई इसकी कीमत क्या होने वाली है? इसकी मशीन की जो कीमत रहने वाली है वो मात्र 44,000 रुपया रहने वाली है। 7.5 HP टर्बो इटालियन का इंजन रहेगा, बड़ा इसमें गियर बॉक्स रहेगा और R105 किंग मॉडल का इसका नाम रहेगा, मात्र 44,000 इसकी कीमत रहेगी। 44,000 कीमत, और इसमें अटैचमेंट क्या क्या आप लेने वाले हो? इसमें जहाँ पे रखी कोई भी 4,000 कीमत की 2 अटैचमेंट वो साथ में फ्री आएंगी, साथ में रबड़ के टायर आएंगे और साथ में 32 ब्लेड की रोटरी आएगी। अच्छा, यहाँ पे रखे कोई भी अटैचमेंट ले सकते? 4,000 रुपए कीमत की कोई भी 2 अटैचमेंट। अच्छा अच्छा, लेकिन अभी हम लोग सब्जी वाला डेमो दिखाए हैं जी, किसान भाइयों को 1 फीट वाला अलग से लेना पड़ेगा, आप ही क्यों नहीं देते उसको? देखिए मनीष बेटा, आज तक हमने देश के किसी भी किसान को नाराज नहीं किया है, आने वाला जो सीजन है वो बिल्कुल सब्जियों का सीजन है, तो आज से कंपनी से जो भी R105 किंग मशीन निकलेगी और आपकी वीडियो का हमें स्क्रीनशॉट भेजेगा, उसे हम 16 ब्लेड की रोटरी और 12 इंच में करके ये भी साथ में एक फ्री में भेजेंगे, एक्स्ट्रा फ्री में भेजेंगे। मंगवाने का तरीका क्या होगा? मंगवाने का तरीका बड़ा ही सरल है, आपके वीडियो पे नंबर दे रखे हैं वहां पे हमें कॉल करें या हमें व्हाट्सएप करें, पूरी जानकारी उन्हें उपलब्ध दी जाएगी। मात्र कंपनी के अकाउंट में 5,000 रुपए उन्होंने डालने हैं, फिर मशीन यहां से डिस्पैच होके उनके जिला तक आ जाएगी, उनको सूचना दी जाएगी, बाकी का पैसा फिर उन्होंने अकाउंट में डालना है और उसके बाद मशीन उनके घर पे डिलीवर हो जाएगी। 5,000 डिलीवरी चार्ज है क्या?
डिलीवरी चार्जेस कोई नहीं है मनीष बेटा, डिलीवरी का पैसा ही नहीं लेते हैं हम कोई। अच्छा अच्छा, डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं है? डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, टेक्निकल मशीन है, हो सकता है कभी कुछ खराबी वगैरह आए, तो इसका गारंटी वारंटी कितनी रहेगी? मनीष बेटा पहले तो इसका कोई तकलीफ होता ही नहीं है, मशीन ही इतनी बेहतरीन तरीके से बनाई गई है, फिर भी अगर एक साल में कुछ भी मशीन का बिगड़ जाता है या किसान की वजह से कुछ टूट गया फूट गया, बिल की कॉपी हमें भेज दे और उस मशीन का पुर्जे का हमें फोटो भेज दे, सामान फ्री में उनके घर तक पहुंच जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, संजीव भाई नए साल के मौके पर आप अपने किसान भाई को क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों को सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जो बीत गया वो कल था, जो बीत गया वो कल था, जो आज है नया सवेरा है, आने वाला कल बहुत ही बेहतर होगा मेरे किसान भाइयों के लिए। ये 2024 नव वर्ष बहुत ही अच्छे तरीके से और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।